दोस्तों प्रीवियस ईयर डिक्टेशन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और ग्रेड डी का एक और मैटर आज मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। 80 WPM की स्पीड होगी, 800 वर्ड्स की डिक्टेशन है, आपको डिक्टेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, बी रेडी फॉर इट। इट फंक्शंस एज द गार्जियन ऑफ द एथिकल प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस मेक्स एवरीबडी कनेक्टेड विथ द प्रोसेस ऑफ जस्टिस डिलीवरी ए नेशन बिल्डर। बोथ जुडिशियल ऑफिसर्स एज वेल एज कोर्ट ऑफिसर्स, नेमली एडवोकेट्स हु असिस्ट इन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, आर नेशन बिल्डर्स। ऑन देम लाइज ए हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटी। इट हैज डन सो एडमायरेबली एंड विथ एनलाइटनमेंट एंड thought. That is why each time you take your place in the courtroom, please be conscious that common citizens of this country are looking to you and looking up to you. Our common citizens have that sacred trust and faith that the judiciary will ever stand by them and never let them down. I am sure the judiciary will always live up to the high expectations that our people have of it. While ending, I would once again like to congratulate the Honorable Kerala High Court and the people of the state on this Diamond Jubilee. I would like to wish all the judges, retired judges, members of the bar and other stakeholders associated with the Honorable High Court the very best. I am very happy to be here to lay the foundation stone of the first government IT building in Techno City and to launch what will be the fourth phase of Techno Park. This is one of the iconic information technology facilities is not only Kerala but our country. I must point out that such is the attractor of Kerala. It has drawn me for the second time in this month. I have come on a special day. This morning at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, I was privileged to pay my humble tributes to my predecessor and to a great son of Kerala, Dr. K. R. Narayanan, on his birth anniversary. Dr. Narayanan's rise from a humble background to the highest office in our country was an inspiration for many of us. In his scholarship and learning, he combined some of the best legacies of Kerala and its people. The wisdom of Kerala is also apparent in its spiritualism. As I pointed out on my previous visit, this state is one of the spiritual homes of our society. Truly, as Kerala has taught us, service to the divine lies in service to fellow human beings. This sense of service has been deeply imbibed by the people of Kerala. I would say it has become your
इकोनॉमिक कॉलिंग कार्ड. दिस इज ए स्टेट विथ एन एप्रिशिएबल ट्रैक रिकॉर्ड इन पब्लिक हेल्थ एंड एडुकेशन एंड इज ए फ्रंट रनर इन आवर कंट्रीज क्वेस्ट टू अचीव टोटल लिटरेसी. इट इज लॉजिकल देयरफोर दैट केरला हैज ऑल्सो बिकम नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ्स इन द सर्विसेज सेक्टर एंड द नॉलेज इकॉनमी. द फ्यूचर ऑफ आवर इकॉनमी एंड ऑफ आवर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इज हैविली डिपेंडेंट ऑन द सक्सेस वी अचीव विथ डिजिटल इंडिया. द जॉब्स ऑफ टुमारो विल कम मोर एंड मोर फ्रॉम डिजिटल सर्विसेज एंड अदर अपॉर्चुनिटीज दैट आर डेराइव्ड फ्रॉम द इंटरनेट. केरला इज पोटेंशियली ए पावर हाउस ऑफ डिजिटल इंडिया. इट इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट कनेक्टेड स्टेट्स विथ अमंग द हाइएस्ट रेट्स ऑफ मोबाइल फोन पेनिट्रेशन. आई अंडरस्टैंड दैट द गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट्स टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड एंड प्रोवाइड फ्री इंटरनेट कनेक्शंस टू 2 million पुअरर फैमिलीज बाय यूजिंग ए न्यू ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क. देयर इज एम्पल एविडेंस दैट आवर पीपल इवन दोज एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड आर वेरी अडैप्टिव एंड कैन ईजिली एम्ब्रेस एंड यूज न्यू टेक्नोलॉजी. द केरला आईटी सेक्टर हैज़ बीन ग्रोइंग अमंग ऑल इंडियन स्टेट्स. इट इज करेंटली रैंक्ड 8th इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स बाय आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज कंपनीज. द आईटी सेक्टर प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू 100,000 पीपल इन केरला. दिस इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग. देयर इज इमेंस कैपेसिटी टू मेक दीज नंबर्स ग्रो. केरलाज स्ट्रेंथ्स इन बेसिक लिटरेसी एंड स्किल्स एंड द एक्सपीरियंस ऑफ केरलाज पीपल इन द सर्विसेज सेक्टर एंड इन कंज्यूमर ड्रिवन इंडस्ट्रीज मेक दिस स्टेट ए नेचुरल फॉर एन आईटी इकोसिस्टम. आई एम कॉन्फिडेंट दैट अर्ली डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोसिटी विल ओनली एक्सेलरेट दिस प्रोसेस. इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल फ्रॉम केरला आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लैंडस्केप. आई मस्ट कन्फेस दैट माई ओन करियर एज ए लॉयर वॉज हेल्प्ड इन नो स्मॉल मेजर बाय द डेडिकेशन एंड अनस्टिंटेड सपोर्ट ऑफ स्टाफ मेंबर्स एंड कलीग्स हु हैपन्ड टू बी फ्रॉम केरला. आई रिमेन ग्रेटफुल टू देम. सच अचीवमेंट्स आर बाय नो मीन्स लिमिटेड टू इंडिया. विदाउट द हार्ड वर्क ऑफ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम केरला द इकॉनमीज ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड अदर गल्फ कंट्रीज वुड नॉट बी द सेम. केरला माइग्रेंट वर्कर्स इन दोज कंट्रीज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया बाय अनफेलिंगली सेंडिंग बैक फॉरन एक्सचेंज.
वी कैन नॉट फॉरगेट देम और देयर इमेंस रोल इन नेशन बिल्डिंग केरलाज फेम एज एन एनलाइटेंड सोसाइटी गोज फार एंड वाइड। दोस्तों इसी के साथ ये डिक्टेशन फिनिश होती है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से लिखी होगी। दो चार ही वर्ड्स ऐसे हैं कि जो आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, उससे ज़्यादा वर्ड इसमें कठिन नहीं आए हैं, सो ये भी एक इजी मैटर में से एक है। मुलाकात करता हूँ अगली क्लास में अगली ट्रांसक्रिप्शन के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।